नमः। आज प्रवचन जो हुआ उसके बाद प्रश्नोत्तरी में एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी, आपने जो बचपन में जो भजन सुना था तो उसका आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया तो हमको बहुत मजा आया, तो आज के आप दूसरा भजन हमको सुना सकते हैं। मैंने बोला चलो अभी आपकी कोई मर्जी है तो मैं एक अच्छा भजन जो है जो मैंने बचपन में सुना था वो आपको सुनाता हूँ। वो है गुजराती में, पर आपने मुझे अच्छी बात बताई कि भजन गुजराती में बोलो और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में दे दो, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी समझ में आएगा, और उसका जो अर्थ है वो जानने से अपना जीवन परिवर्तन होता है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। तो मेरा जो एक विषय है कि मानव जीवन की जो चेतना है उसको थोड़ा ऊपर उठाना, टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, तो इसे मानव जीवन में एक सुख शांति और समृद्धि आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। सीता राम अमारो उद्धार करो, गुरु राज हमारो उद्धार करो। इस भजन में जो दो पंक्ति है वो बताती है कि पहले वो प्रभु को स्मरण में रखती है कि प्रभु जो है, तो प्रभु हम जो है, यू प्लीज अपलिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस। उद्धार करो का मतलब ये होता है कि आपकी जो चेतना है उसी को थोड़ा ऊपर ले जाओ। जैसे आप जो है तो फर्स्ट लेवल से है तो सेकंड लेवल में आ जाओ, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल में आ जाओ, अवेकन द कॉन्शियसनेस। देखो अपनी कॉन्शियसनेस का जो विकास कितना हो सकता है आप बताइए। तो आप मुझे बताएंगे अपनी जो चेतना है उसका जो विकास है वो नर से नारायण तक का है, नर से नारायण तक का। उसका मतलब ये आपकी जो चेतना है चिदानंद रूपम शिवो अहम अहम ब्रह्मास्मि और सर्व एव वासुदेव, तो वो जो प्रार्थना है दिस इज द प्रेयर कि हे प्रभु, टेकिंग द हेल्प ऑफ द हायर सोल, टेकिंग द हेल्प ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस। और जो गुरु रहता है वो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूँ कि देखो अभी क्या होता है कि जैसे गणेश भगवान रहता है तो सोपारी का गणेश भगवान है, फिर एक गणेश भगवान है वो कागज का गणेश भगवान है, और एक गणेश भगवान की मूर्ति है, तो क्या तीन गणेश भगवान है। अभी जब हम गणेश का जब उत्सव आता है तो क्या होता है कि बहुत सी गणेश की मूर्ति होती है, तो क्या इतने गणेश भगवान है। तो लोग बोले नहीं गुरुजी, गणेश भगवान तो एक है, तो मतलब इतनी मूर्ति है। सोपारी सड़ जाती है, कागड़ फट जाता है और जो मूर्ति है वो टूट जाती है, तो क्या वो जो भगवान है वो क्या सड़ जाते हैं, फट जाते हैं और क्या ये टूट जाते हैं? नहीं, देखो भगवान जो है वो तत्व है। जैसे अपना जो शरीर है वो नाश होता है, मगर जो आत्मा है वो अविनाशी है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निरामय हूँ, चिदानंद रूपम शिव अहम शिव अहम। तो हम वो आगे हम भजन को आगे ले जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, कोट्यान कोटि तारला आकाश मा उगे भले, व्यापी रहेली रातड़ी सूरज विना कदी नवतड़े, एवो अंतर माही विचार करो, गुरु राज हमारो उद्धार करो, सीता राम हमारो उद्धार करो। देखो इस भजन में बताता है कि कोट्यान कोटि तारला आकाश मा उगे भले, बहुत जो तारे रहते हैं ना वो आकाश में होता है, पर रात को कौन दूर कर सकता है। वो जो सूरज भगवान है, सूर्य भगवान है, व्यापी रहेली रातड़ी सूरज विना, जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं ऐसे ही वो अंधेरा चला जाता है। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है तो ज्ञान रूपी प्रकाश से आपका अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा। आपके वहां जैसे अभी क्या है, जीवन में लोग मुझे बताते हैं कि गुरु जी बहुत दुख है, बहुत दर्द है, ये जीवन कभी कभी लगता है कि बोझ बन गया है, तो मैं बताता हूँ आप भक्ति कीजिए, ज्ञान लीजिए और ध्यान कीजिए। वो तीन बातें हैं, भक्ति ज्ञान और ध्यान, तीनों का समन्वय कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। वो ध्यान का जीवन में उदय होना मीन्स आप जब ध्यान में बैठते हैं उसका मतलब आपके जीवन में सूर्य का उदय होता है। आगे चलते हैं।
ચિંતામણી પામ્યા પછી બીજા રતનનું કામ શું, મીઠા અમે પીધા પછી બીજી દવાનું કામ શું, મારી વિનંતી હે શ્યામ સ્વીકાર કરો, સીતારામ હમારો ઉદ્ધાર કરો, ગુરુ રાજ હમારો ઉદ્ધાર કરો. ઉસમે એક બતાયા, દેખો ચિંતામણી પામ્યા પછી, અભી ક્યા હોતા હૈ કિ જૈસે એક પારસમણી હોતા હૈ, યદિ કિસી કો કોઈ પારસમણી મિલ જાય સુનો, તો ફિર ઉસકો દૂસરે કોઈ મણી કી જરૂરત રહેતી હૈ. ચિંતામણી પામ્યા પછી બીજા રતનનું કામ શું, યદિ આપકો પારસમણી મિલતા હૈ ઉસકા મતલબ હૈ જીવન મે, ઇસલિયે આપકે જીવન મે ભક્તિ જ્ઞાન ઓર ધ્યાન તીનો કા જો સમન્વય હૈ વો ગુરુ હોતા હૈ. ગુરુ ભક્તિ ભી સિખાતા હૈ, ફિર ધ્યાન ભી દેતા હૈ ઓર ધ્યાન સિખાતા હૈ, ये तीनों का समन्वय. तो बोलते गुरु राज, देखो गुरु का जब मैं मतलब बोलता हूं तो मैं आपका गुरु हूं ऐसा नहीं, आपके भीतर जो परमात्मा है वो सबका गुरु है. इसलिए गुरु राज का मतलब आप भीतर जाए और आपके अंदर जो छिपे हुए परमात्मा को ढूंढ डालिए. दो गुरु होता है, वो बाहर का गुरु होता है, जैसे मैं आपका गुरु हूं तो मैं बाहर का गुरु हूं, मगर जो सच्चिदानंद स्वरूप परम गुरु है वो आपके भीतर रहते हैं. मैं लोगों को बताता हूं कि माय गुरुजी सेज दैट ही स्टेज इन द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल. गुरुजी किधर रहते हैं, गुरु किधर रहते हैं, आपके हृदय आकाश में रहते हैं. जो हृदय आकाश है उसको चिदाकाश बोलते हैं. इसलिए मेरी जो ध्यान की जो चैनल है तो उसे मैं आई इन्वाइट लोगों को बताता हूँ आप चैनल पे आइए. तो वो जो चिदाकाश है, तो चिदाकाश का मतलब है कि आपके जो हृदय आकाश में जो प्रभु का जो स्थान है उसको चिदाकाश बोलते हैं, और वहाँ जाके आप ध्यान कीजिए. तो हम आगे चलते हैं. ये जो बातें हैं उसमें से मीठा अमी पीधा पछी बीजी दवानू काम शू, यदि आपको अमृत मिल जाता है सुनो, तो फिर क्या कोई दूसरी की जरूरत होती है. तो अमृत क्या है, वो भक्ति अमृत है, ज्ञान अमृत है और ध्यान भी अमृत है. तो आप अमृत का पान कीजिए. चिंतामणि आपके पास है. पतंजलि मुनि का एक सूत्र है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम. उसका मतलब ये होता है, सुनो क्या होता है कि जब आप साधना करते हैं तो आपको सब रत्न की उपलब्धि होती है. आपको साधना आपकी सही होनी चाहिए. फिर आगे चलते हैं, वो उदाहरण देते हैं. उसमें उदाहरण है, सबरी तना बोर जम्या गति आप केरी, आपी छे लाखों हजारों भक्त केरी वेदना वो कापी छे, मारी लक्ष्य चोरा सीने माफ करो, सीता राम हमारो उद्धार करो, गुरु राज हमारो उद्धार करो. सुनो अभी उदाहरण देते हैं कि सबरी जो थी, ऐसे संत थी वो, संत सबरी ऐसा, वो सबको मालूम है कि राम भगवान जब वन में गए और जो बेर की बात आती है वो एक सब बात है. तो भगवान ने सबरी जी को नवधा भक्ति सिखाई. वो जो नवधा भक्ति क्या है, आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं रामायण भी जानते हैं. तो जो भी ऐसे बहुत भक्त हो गए, संत तुकाराम हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, तुलसीदास जी हो गए, कबीर जी हो गए, उन्हें बताया कि लाखों हजारों, वो घोड़ा कुंभर हो गया, लाखों हजारों भक्त केरी वेद ना वो काफी जे. तो वो बताते हैं कि ये जो ध्यान ज्ञान और भक्ति है, भक्ति ज्ञान और ध्यान क्या करता है, वो आपकी वेदनाओं को कट देगा. मैं आपको बताता हूं, मैं प्रेम भाव से आपको बता रहा हूं कि आप रोज भक्ति कीजिए, वो गुरु से जाके ज्ञान लीजिए और फिर रोज ध्यान कीजिए. इससे क्या होगा, आपके जो भी तीन प्रकार के दुख होता है, देखो भागवत का प्रथम श्लोक क्या है, प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः. वो जो बात है, तो तीन प्रकार के ताप होते हैं. पहला जो ताप है अधि आत्मनः, आध्यात्मिक जो तकलीफ है, ताप है, दुख है, दर्द है, तो वो क्या है, शरीर का जो तकलीफ है उसी को शास्त्र में आध्यात्मिक दुख बोलते हैं. फिर आदि भौतिक, जैसे भाई से तकलीफ, पति पत्नी का, जैसे पति को पत्नी से तकलीफ, पत्नी को पति से तकलीफ, फिर पुत्र से तकलीफ, फिर आगे जाके चोर से तकलीफ, फिर जैसे किसी से आपको तकलीफ है, आगे जाके वो जैसे बड़द है, गाय है, ऐसे प्राणी से वाघ है, जैसे सिंह है, उसे तकलीफ, तो उसी को आदि भौतिक दुख बोलते हैं, ताप भी बोलते हैं. और तीसरा रहता है,
कि आदि दैविक। देखो अभी हमको मालूम है बहुत अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी भूकंप आती है। ये जो तीनों तकलीफ है उसी को ये ध्यान जो है वो दूर करता है। जब मैं ध्यान बोलता हूँ तो भक्ति भी आ जाती है भाई। लोग मुझे बोलते हैं गुरु जी हम ध्यान करते हैं, तो तीनों का समन्वय जो है, समन्वय करना है। समत्वम योग उच्यते, आप समता रखो। लोग बोलते हैं हम लोग भक्ति करते, ध्यान को हमको जरूरत नहीं है ध्यान में। कोई बोलते हैं भक्ति करो ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे भाई भगवान ने बताया कि तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। जो भगवान ने बताया, आप खाना खाने के लिए बैठते तो क्या अकेला चावल खाते? दाल भी खाते, चावल भी खाते, रोटी भी खाते, सब्जी भी खाते, कोई लोग अचार भी मांगते हैं, और किसी को पापड़ भी चाहिए, और फिर किसी को जो फरसा रहता है वो भी चाहिए, तो सब चाहिए। तो ये जो बातें हम आगे चलते हैं तो उसमें है कि वो मेरी जो लक्ष्य 84 है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट योर फर्स्ट बर्थ। आपका ये पहला जो फर्स्ट बर्थ नहीं है, आप क्या है मालूम है, ए चेंज ऑफ लाइफ है। आपने जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ऐसा जन्म 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 होता रहता है। तो आपको क्या करना है, मैं हम आगे चलता हूँ। तो मुक्त होना है, मुक्त होना है तो शास्त्र में बताया कि जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है। क्या आप अजर अमर होना चाहते हैं? क्या आप जीवन मृत्यु के जो चक्कर में से मुक्त होना चाहते हैं? तो आप बोलेंगे गुरु जी यही तो हम लोग प्रयत्न कर रहे। तो शास्त्र में बताता है कि ये जन्म क्यों होता है, तो तृष्णा से जन्म होता है, आपकी कोई इच्छा से जन्म होता है। तो भगवद गीता की जो बात है उसमें है कि आपका मन को इच्छा मुक्त कर दो। क्या करो? इच्छा मुक्त कर दो। इच्छा मुक्त क्या होता है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। आप मन से खुश रह जाओ। तो इसलिए बताते हैं कि इफ यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ, आप जो भी उसमें खुश रहो, तो क्या होगा, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मोरारे। जब प्रभु की कृपा होती तो ये जन्म मरण का चक्कर से आप मुक्त होते हैं। हम आगे चलते हैं। मुझ नावड़ी संसार ना सागर विसे अटकी रही, उत्तर अगर दक्षिण तनी वाला मुझे मालूम नथी, पोते आवी प्रभु तमे पार करो, सीता राम हमारो उद्धार करो, गुरु राज हमारो उद्धार करो। अभी अंतिम पंक्ति में क्या बताता है, मैं आपसे बताता हूँ। बोलते मुझ नावड़ी, ये संसार है वो सागर की कल्पना है कि संसार में क्या है, लोग डूब जाते हैं, तो इसलिए वो नाव जो है आपकी इधर से इस तरह ले जाते हैं। वो संसार में क्या है कि वो आप अटक गए हैं किधर न किधर, कोई मोह मोह में अटका है, मोह, फिर क्या एक्चुअली देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड विकार है उसमें कोई ना कोई, कोई ना कोई, ये क्या होता मालूम है कि लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और फिर सच्ची बात नहीं मालूम है, उत्तर या दक्षिण के मालूम नहीं है, किधर जाना है वही ना नहीं मालूम है। मैं कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं उसे पूछता हूँ भाई व्हाट इज योर गोल? बोलते गुरु जी गोल क्या होता है, हमने तय नहीं किया। बोलते क्या बनना चाहते? बोलते जो बनना चाहेगा वो बनेंगे, प्रभु की मर्जी। मैंने बोला क्या प्रभु आपके लिए फ्री है तो आपके लिए मर्जी करता रहेगा? प्रभु एक ज्ञान है, प्रभु एक भक्ति है, प्रभु एक ध्यान है। आपको यू हैव टू सेट योर गोल, आपको आपका ध्येय तय करना है, उत्तर या दक्षिण किधर जाना है, सेट योर गोल एंड मीन्स विल फॉलो। आप अपना ध्येय को तय कर दीजिए, आपको क्या है मालूम है सब चीज सुविधा मिलने लगेगी, सगल पदार्थ है जग माही। तो चलो आपने बहुत प्रेम भाव से सुना, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। मेरे साथ बोलिए आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। अस्तु।